दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। इस समय देखो एसएससी और रेलवे की तरफ से जो है दो बम्पर भर्ती आ रही है। आपने देखो एसएससी एमटीएस 12,000 पदों पर जो भर्ती चल रही है उसमें केवल 10th क्लास पास मांगा गया है, मतलब ग्रुप डी की नौकरी। एमटीएस में एक भर्ती और आ रही है जो है 12,000 पदों पर ही, लगभग जो है उसकी सिमिलरिटी जो है 12-15,000 पदों पर। आप पहले ये 22 वाली भर्ती भर दीजिएगा, क्योंकि मतलब क्या 22 वाली भर्ती का फॉर्म जो है वो चल रहा है इस समय जो एमटीएस एसएससी के थ्रू जो है ना। एक भर्ती जो एमटीएस की और आएगी उसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके जो है 14 जून से भरे जाएंगे फॉर्म, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक भर्ती जो एसएससी की, एसएससी और रेलवे की भर्ती बता रहा हूँ कब कब आएगी। एसएससी की तरफ से जो है फेस 11 का जो भर्ती आएगी वो कम से कम 2,000 पदों पर होगी, और कम योग्यता उसमें जो है XYZ, मतलब क्या 10th 12th और जो एक तरीके से जो है इसमें ग्रेजुएशन होगी। इसके बाद एक भर्ती आएगी एसएससी सीजीएल, उसमें आपकी जो पोस्ट होंगी वो 20,000 पदों पर होंगी, योग्यता उसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। अप्लाई की डेट होगी उसमें 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और एसएससी एक है सीएचएसएल, तो सीएचएसएल की भर्ती जो होगी वो कम से कम 4 से 5,000 पदों पर आएगी, और उसमें जो 12th क्लास पास मांगा गया है। बात करते हैं हम जो है रेलवे की, रेलवे में जो है आपको 3 तरीके के पद देखने को मिलने वाले हैं। रेलवे का अभी एक एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की जो है, इसी तरीके एएलपी की एक वैकेंसी और आ रही है आपकी जो है। टेक्नीशियन पोस्ट है 6,000, वो कम से कम जो है 60,000 पदों पर भर्ती आएगी, और साथ में जो है आरपीएफ जो है और आरएएफ जो होती है सीएएसएफ जितनी भर्तियाँ होती हैं रेलवे के अंतर्गत वो सब जो है सिक्योरिटी से संबंधित वो भी कम से कम 3,000 पदों पर आएंगी। अब रेलवे की जो टीटी की भर्ती है, टीटीई की भर्ती है, वो भी कम 7,784 पदों पर आ रही है। ये भर्तियों का विज्ञापन जो है आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, लगातार बताया जा रहा है अखबारों के माध्यम से, उसमें एक ही बम्पर भर्ती आ रही रेलवे में जो है इतने पदों पर भर्ती हुई। कल या परसों अखबार आप सुबह की न्यूज़ देख लीजिए, कल परसों की मेरी जो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि हम जो है इतने पदों पर जो है 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करने जा रहे हैं, तो उसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। तो अगर आपको किसी भर्ती संबंधी जानकारी लेनी तो प्लीज़ इस पे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।